बलात्कार का राजनीतिकरण तो नहीं होना चाहिए. शुड नॉट पोलिटिसाइज हेनस क्राइम लाइक रेप. परंतु मेरा उड़ीसा में आना महिला कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, और अगर मैं यहाँ पे नहीं आती ये अन्याय होता, क्योंकि इस केस के बारे में हमने दिल्ली में पढ़ा है, देश के हर कोने में ये न्यूज गया है. उड़ीसा का बहुत बड़ा मुद्दा था. मुझे दुख है कि इतने सालों के बाद इस परिवार को न्याय नहीं मिला. जो बलात्कारी थे उनको कोर्ट ने छोड़ दिया. इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन में कमी है. और अगर नवीन पटनायक जी समझते हैं कि एक मंत्री का रेजिग्नेशन लेके उनका महिला के प्रति दायित्व उन्होंने पालन किया है, ये बिल्कुल गलत है. नवीन पटनायक जी से मैं ये कहना चाहती हूँ कि उड़ीसा की महिलाओं ने आपके साथ समर्थन किया पिछले इलेक्शन में. ऐसा क्या कारण है कि आपने इस केस में दो गुनाहगारों को छोड़ दिया? 99 विटनेसेस थे, उसमें से 29 विटनेसेस को बुलाया नहीं गया और बाकियों का कोई क्वेश्चनिंग नहीं हुआ, जो मुझे यहाँ लीगल सेल के लोग बता रहे थे. मीन इज अ कम्प्लीट मिसमैनेजमेंट ऑफ द केस. इज द होम मिनिस्टर नवीन पटनायक और ओडिशा के मुख्यमंत्री ओडिशा के गृह मंत्री भी है. सो लॉ एंड ऑर्डर इज अंडर द चीफ मिनिस्टर. इट इज डिसग्रेसफुल. महिला कांग्रेस विल गो टू द ऑनरेबल गवर्नर ऑफ ओडिशा एंड रिक्वेस्ट एन इमीडिएट अपील बी फाइल्ड एंड द इन्वेस्टिगेशन शुड बी रीओपन. इन्वेस्टिगेशन शुड बी रीओपन एंड हैंडेड ओवर टू सीबीआई. और देश के प्रधानमंत्री को मैं कहूंगी कि वो उड़ीसा में आके भाषण देके चले गए. आप भाषण देके चले गए, बीजेडी तो आपके साथ मिलकर लोकसभा में बात करती है. लोकसभा में बीजू जनता दल और बीजेपी एक साथ कई कानून पास करते हैं. तो प्रधानमंत्री बीजेडी के जो महताब जी हैं, कलिकेश जी हैं, उनके ऊपर प्रेशर क्यों नहीं डालते हैं इसमें सीबीआई और रीओपन करने के लिए? ये महारथी जी को मैं मानती हूँ कि फिर से मिनिस्टर बना दिया नवीन पटनायक जी ने. ये गलत है और इसको मैं खुद प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखूंगी और हम गवर्नर के पास जाएंगे, इस मुद्दे को उठाएंगे. हमारी महिला कांग्रेस की जो अध्यक्ष है सुमित्रा जेना जी, उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन किया, उसके बाद मंत्री ने इस्तीफा दिया. मैं महिला कांग्रेस के प्रति आभार प्रकट करती हूँ और नवीन पटनायक जी से ये कह देती हूँ, हमने एक आंदोलन किया, हम आपके अगेंस्ट आंदोलन करेंगे और आपको भी कुर्सी से उतारेंगे अगर आपने सही सही इस केस में न्याय नहीं किया. और नवीन पटनायक जी का इस्तीफा हम मांगेंगे अगर इमीडिएटली इसका री इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है. थैंक यू.